इसमें आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। अगर ना मुंह धोना पहले करके आए तभी इस ट्रेन में चढ़े। सो अभी गाड़ी पहुंची है जी रोपड़ और यहाँ पे अपने फॉलोअर आए हैं मिलने। भाई क्या नाम है आपका? अश्विन ठाकुर। लो बैंड चोद ट्रैक पे खड़े हुए भाई, जरा भी डरते नहीं है। एकदम से गाड़ी आएगी बैंड चोद कट के मर जाएंगे। वो देखो आज करने जा रहे हैं हम सफर डेमो ट्रेन में। डेमो ट्रेन यानी कि पैसेंजर ट्रेन में। ये ट्रेन चल के आ रही दोस्तों अंबाला कैंट से और जाएगी दौलतपुर चौक हिमाचल प्रदेश। ट्रेन कोड दोस्तों 06997। चंडीगढ़ स्टेशन पहुंचेगी 2:25। अभी टाइम हो चुका है जी 2:25 और अभी हमारी पैसेंजर ट्रेन जो है चंडीगढ़ स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो है आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें और भाई वीडियो को अच्छा शेयर करें। आपको पूरा जर्नी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों इस ट्रेन की, कैसे कैसे जो ये ट्रेन आती है, कहां कहां रुकती है। अभी हम आ चुके हैं जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जहां पे कि हमारी गाड़ी आने वाली है। पहली बार मैं कवर करने जा रहा हूं एक पैसेंजर ट्रेन जो कि अंबाला से दौलतपुर चौक जाती है। अभी मैंने अपनी गाड़ी का रनिंग स्टेटस चेक करा तो हमारी गाड़ी चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच चुकी है। अभी जस्ट यहाँ से 100-200 मीटर जो है रुकी हुई है, उसको सिग्नल नहीं मिल रहा अभी आगे आने का। जैसे गाड़ी को सिग्नल मिलेगा तो गाड़ी जो है हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ जाएगी। हमारी ट्रेन तो नहीं आई अभी तक, बट यहाँ पे अजमेर से चल के गुड़गांव होके जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पहुँच चुकी है। ये देखिए ऑरेंज कलर की वंदे भारत, वाओ। तो अपडेट ये है कि हमारी गाड़ी 22 मिनट लेट हो चुकी है। 22 मिनट भाई, और चली कहाँ से? अभी अंबाला कैंट से। ये देखिए चंडीगढ़ से 2 मिनट का गाड़ी का हॉल्ट है। गाड़ी ऑलरेडी आधा घंटा जो है देरी से चल रही है। ये तो चलते हैं अंदर, घुसते हैं ट्रेन में, अंदर से दिखाता हूँ आपको ये पैसेंजर ट्रेन। ये रहा जी अंदर का माहौल, अंदर से कुछ इस तरह की दोस्तों अपनी ये ट्रेन। बहुत अच्छा नज़ारा दोस्तों हमारी ट्रेन का। हाँ देखिए तो कोचेस जो हैं इसके कनेक्टेड हैं, एक कोच से दूसरे कोच में जो है आप एक्सेस कर सकते हो। फायर है इसमें, मोस्टली जो है बुज़ुर्ग लोग चढ़े हुए हैं भाई इस पैसेंजर ट्रेन में। तो 3:01 पे जो है हमारी गाड़ी निकली चंडीगढ़ स्टेशन से, आधा घंटा लेट है। और इसका नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला जी SAS नगर मोहाली। अरे वाह भाई साहब, एक बंदे के लिए दोस्तों ट्रेन ने ब्रेक भी लगा ली भाई, ये भी सही है। लगता है लोको पायलट इसके घर का आदमी है भाई, वरना ये इलीगल काम बताऊं आपको मैं कि अगर ट्रेन निकल जाए प्लेटफॉर्म से तो वो ब्रेक नहीं ले सकती ऐसे किसी भी पैसेंजर को चढ़ाने के लिए। गाड़ी की टोटल जो जर्नी है वो है 228 किलोमीटर की, अंबाला कैंट से दौलतपुर चौक की 228 किलोमीटर जो है करती है। 3:32 हो रहे हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है जी खरड़ स्टेशन। सो यहाँ पे हमारी गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड दोस्तों KARR। भाई चीज़ देखो भाई कितना नीचे है जाके, भाई खरड़ स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत डाउन है। देखिए ये देखिए देखिए भाई, इसे उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल है। उतरना है, देखो भाई बूढ़े लोगों को बड़ी मुश्किल होनी भाई उतरने में इससे, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत डाउन है। ये घर में गिर जाऊंगा, बड़ा टफ है भाई चढ़ना। चढ़ गया मैं पूरा भाई। ये रूपनगर, गुनौली, भरतगढ़, कीर्तपुर, अनंतपुर, नंगड़, ऊना, अंदौरा, फिर जाके पहुंचेगी ये जाके दौलतपुर चौक। और ये पहुंचेगी भी 8:30 से 9:30 पहुंचेगी भाई ये दौलतपुर चौक, और 7:30 पहुंचेगी, 7:30 से 7:45 के बीच पहुंचेगी ऊना हिमाचल स्टेशन। जैसा कि आपको पता है कि ये एक पैसेंजर ट्रेन है भाई, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि भाई इसमें आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। अगर ना मुंह धोना पहले करके आए तभी इस ट्रेन में चढ़े। मेरी तरह गलती मत करना आप, मेरे को लगा जोर का पसाव और मैं उतर नहीं सकता ट्रेन से। अगर उतर गया तो भाई ट्रेन छूट जाएगी। कम से कम भाई 1.5 से 2 घंटा मुझे जो है वेट करना पड़ेगा भैन से, तब तक मेरी टांकी फट जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे बड़ा जोर का जो है वॉशरूम आ रहा है भाई, सुसू आ रहा है बड़े जोर का। और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है मोरिंडा। वो जी मालगाड़ी आ रही है, सो हमारी गाड़ी को भी सिग्नल नहीं है दोस्तों, क्योंकि दूसरे ट्रैक पे अभी जो है मालगाड़ी आ रही है। जैसे मालगाड़ी क्रॉस करेगी तब जो हमारी गाड़ी को सिग्नल मिलेगा। ये बड़ा सीन है यहाँ पे भाई।
क्योंकि इसके आगे जो है सिंगल ट्रैक हो जाएगा ये, तो एक गाड़ी आएगी और एक गाड़ी जाएगी। अभी ऐसा सीन होगा यहाँ से। ये दोस्तों अम्बंदौर से हरिद्वार ट्रेन, ये देखिए दोस्तों, ये रात को 9:30 पहुँचाएगी हरिद्वार, जाएगी यहाँ से ये, अब जाएगी यहाँ से अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट से यमुना नगर सहारनपुर होके जो है ये हरिद्वार पहुँचती है रात को 9:30 बजे। भाई इसमें करूँगा सफ़र मैं, इस वाली में। ओ कहाँ जा रहे? सहारनपुर, ऊना से आ रहे भाई लोग सहारनपुर जा रहे, क्या बात है। अक्षय पराशर, गाड़ी को सिग्नल मिल जाना चाहिए मुझे लगता है यहाँ से, वरना भाई एक और ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर के बाद, जो कि ये दोस्तों दौलतपुर चौक साबरमती एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों दौलतपुर चौक से चलती है साबरमती अहमदाबाद को, वो डेली ट्रेन है दोस्तों, तो उसको भी जो है इसको सिग्नल देना पड़ेगा, तभी तो भाई इस ट्रेन को ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिसको हरिद्वार जाना तो भाई वो एकदम बढ़िया ट्रेन है, ऊना से जाना हो, नंगल से जाना हो, आमबंदौर से जाना, तो भाई बढ़िया ट्रेन है ये, रात को 9:30 बजे उतार देगी आपको ये हरिद्वार। फिर चलती है ये दोस्तों ये 4:40 पर हरिद्वार से, और दोपहर 12:30 जो है उतार देती है आपको ऊना हिमाचल स्टेशन। तो जी वक्त हो रहा है 4:40 और गाड़ी पहुंच चुकी है मियांपुर स्टेशन, और यहाँ पे दोस्तों हमारी गाड़ी पास देगी 19412 को, यानी कि साबरमती दौलतपुर चौक साबरमती एक्सप्रेस को। वो आने वाली है दोस्तों, दौलतपुर चौक से आ रही है वो और जानी है साबरमती अहमदाबाद, तो उसको जो है यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है पास देगी। ये हमारी गाड़ी तभी आगे को जाएगी जब साबरमती एक्सप्रेस जो है यहाँ से क्रॉस करेगी, तो अभी थोड़ी देर में आने वाली है गाड़ी साबरमती एक्सप्रेस। आ गई आ गई आ गई आ गई। गाड़ी पहुंची है जी रोपड़, और यहाँ पे अपने फॉलोअर आए हैं मिलने। भाई क्या नाम है आपका? अश्विनी ठाकुर। अश्विनी ठाकुर भाई आए मिलने, इन्होंने एक्चुअली अभी यहाँ ट्रेन पहुंची थी प्लेटफॉर्म पे, और पीछे एक फाटक था वहीं पे उन्होंने मेरे को देखा, तो ये आए घूमते हुए यहाँ पे। हम देखो कि गाड़ी रुकी है कि नहीं रुकी है। अच्छा रोपड़ में रहते हो? अच्छा जुड़ता क्यों अभी? अचानक दिख गए आप। दोस्तों हमारी गाड़ी का रूपनगर स्टेशन पे 1/2 घंटे का हॉल्ट है यहाँ पे दोस्तों। ये अंदौरा जो अम्बाला ट्रेन है दोस्तों, उसको यहाँ पे पास देगी, तभी जो है हमारी गाड़ी यहाँ से जो है आगे को चलेगी। और दोस्तों इस गाड़ी का जो इंजन है भाई वो पूरा डीजल इंजन है, ये देखिए कोई वायरिंग नहीं ऊपर से, देखो पूरा डीजल इंजन है भाई इस गाड़ी में। मेरे को दिल खुश हो गया भाई कि अपना फॉलोवर भाई ढूंढते ढूंढते भाई यहाँ तक आ गया, और उन्होंने मेरे को ढूंढ लिया और मैं मिल लिया। मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है भाई अभी, सच बताऊँ मैं तो। दोस्तों मैं जो है जब भी जाता हूँ भाई तो मैं सारा अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप भी अगर मेरे से मिलना चाहते हो कोई भी काम हो तो भाई आप मेरे को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, जो भी मेरी लोकेशन रहती है वो इंस्टाग्राम पे रहती है करंट लोकेशन। बाकी आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से जगह पे हूँ, वो आपको देखना कि कहाँ पे हूँ भाई, वो लगेगा पता आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जाइए सर्च करिए फॉलो कर लीजिए, वहीं पर जो है आपको मेरी करंट लोकेशन जो है स्टोरी मिलेगी। ब्लॉग जो रहते हैं दोस्तों, ब्लॉग मेरे थोड़े लेट आते हैं आपको पता ही है, और लोकेशन जो है अपनी इंस्टाग्राम पे आती है, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें ठीक है जी। बाकी यहाँ पे भाई 5:08 हो गए हैं और अभी तक जो है गाड़ी तो आई नहीं साइड से, जैसे गाड़ी आएगी तभी हमारी गाड़ी जो है आगे को चलेगी रूपनगर से। तो इसका नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है जी गनौली, गनौली रुकेगी, गनौली के बाद रुकेगी भरतगढ़, भरतगढ़ के बाद रुकेगी आके कीर्तपुर। तो कीर्तपुर का अराइवल टाइम है इस गाड़ी का 6:15 का, 6:15 का, जो कि है जी पैसेंजर ट्रेन अम्बंदौर से चल के अभी रोपड़ पहुंची है, और जानी है ये अम्बाला कैंट, क्या बात है। तो सनसेट का व्यू चेक करो, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रखा है भाई इस टाइम देखो। और अभी अपनी गाड़ी पहुंची है जी भरतगढ़ स्टेशन, और अभी यहाँ पे पासिंग है, देखिए ये ट्रेन पास करेगी तब जाके हमारी ट्रेन को सिग्नल मिलेगा भाई। ये बड़ा लोचा है अपनी लाइन पे, हिमाचल वाली लाइन पे, इस पर ना भाई सिग्नल जो मिलेगा तभी मिलेगा जब गाड़ी जो है क्रॉस करेगी।
सो ये गाड़ी आ रही है अपनी, कौन सी आ रही है भाई ये मुझे पता नहीं है। इसके नेक्स्ट आने वाला है जी कीरतपुर साहिब स्टेशन। सारे बंदे ट्रैक पे आ गए और इस साइड गाड़ी आ रही है। ये भी पैसेंजर ट्रेन है गाइस और ये जा रही है अम्बाला कैंट। लो बैंक चो ट्रैक पे खड़े हुए भाई, जरा भी डरते नहीं है, एकदम से गाड़ी आएगी बैंक चो कट के मर जाएंगे। वो देखो जरा नहीं डरते भाई लोग। हो गया 6:22 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी कीरतपुर साहिब स्टेशन और यहां तक जो है हमारा सफ़र है। इसके आगे अब गाड़ी जानी है यहां से दोस्तों श्री आनंदपुर साहिब, नंगल डैम, ऊना हिमाचल, अम अंदौरा, दौलतपुर चौक। 9:45 पहुँच रही दोस्तों दौलतपुर चौक। तो इसी के साथ दोस्तों अपनी पैसेंजर ट्रेन को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं यहाँ से दोस्तों बिलासपुर। और ये ब्लॉग दोस्तों यहीं तक था। कैसा लगा आपको ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। बाकी मेरे अपडेट्स जो भी रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा होना चाहिए, सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह का स्टेशन है दोस्तों कीरतपुर साहिब। ये देखिए यहाँ पर ट्रेन के टाइमिंग, ट्रेन का कितना किराया है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये आगे हम बाहर से, और बाहर से दिखाता हूँ आपको स्टेशन। ये देखिए जी ये है कीरतपुर साहिब स्टेशन। ये देखिए, हाँ अब दिख रहा है आपको अच्छे से। ये देखिए